अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तालीम और कुतुब खाने लाज़िम और मुलज़ूम है। तालीम की तरक्की कुतुब खानों से मुंसलिक है और कौमों की तरक्की तालीम कुतुब खाने के बगैर दीवाने का ख्वाब तसव्वुर होती है। नाज़रीन, आज वॉइस ऑफ लाइब्रेरी ने ऐसी इल्मी दरसगाह की लाइब्रेरी का इंतखाब किया है जो यकीनन एक मुनफरिद मकाम रखती है, जो तालीम लाइब्रेरी के साथ साथ अवामी लाइब्रेरी कहलाई जाती है। ये लाइब्रेरी साहिबाल मौजूद गवर्नमेंट कॉलेज साहिबाल में मौजूद है। ये कॉलेज साहिबाल डिवीजन का सबसे बड़ा कॉलेज जो 1942 में वजूद में आया, यूं ये अपनी जिंदगी की 80 बहारें देख चुका है। इस कॉलेज में 128 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ मौजूद है, 20 से ज्यादा प्रोग्राम ऑफर कर रहा है ये कॉलेज। इस कॉलेज का कुल रकबा 100 एकड़ से ज्यादा है। यहाँ पर दो लाइब्रेरियां मुहक्किकीन और तलबा की इल्मी प्यास बुझाकर तशफी का समा मुहैया कर रही है। मलक अनवर पब्लिक लाइब्रेरी, जो गवर्नमेंट कॉलेज पब्लिक लाइब्रेरी के नाम की तख्ती से मुजयन है, इसका इफ्ताह और पब्लिक लाइब्रेरी मिलने का एजाज 1965 में जनाब रिफत पाशा शेख, जो उस वक्त कमिश्नर मुल्तान थे, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से किया। तहम इस लाइब्रेरी पर 1950 में काम शुरू हुआ और इसको बकायदा अवाम के लिए 1954 को चीफ मिनिस्टर मलक फिरोज खान ने अपने दस्ते मुबारक से किया और अवाम के लिए इसको खोल दिया। इस कुतुब खाने को कब मुख्तलिफ बड़े हाल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको मशरिकी हाल मगरबी हाल में मुनकसम किया गया है और इसी तरह पहले मंजिल पर भी कसी तादाद में कुतुब को मुंतकिल कर दिया गया है, जो मुख्तलिफ हाल में किताबें मौजूद है। जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल के इल्मी और कुतुब खानों से मोहब्बत का सबूत है। इसमें अजीम शायर मजीद अमजद का वसी ज़खीरा भी मौजूद है। मलक अनवर लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा कुतुब का वसी ज़खीरा मौजूद है। हाँ नाज़रीन, अब हम इस लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं और आपको इस लाइब्रेरी की पूरी तस्वीर और पूरी वीडियो बनाने का, जैसे मैं आप लोगों को लिखे थे राइट साइड पर हमारा कस्टम है जिसमें उर्दू अखबार पड़े हुए हैं और उसी तरफ आप देखें तो ये इंग्लिश अखबार कस्टम है और यहाँ पे इंग्लिश अखबार लगे हुए हैं। बिल्कुल सामने बड़ी खूबसूरती स्टेज है जो बड़े हाल की तरफ जाती है। हम ये मशरिकी हाल की तरफ रवाना हुए, ये मशरिकी हाल है। यहाँ पर मौजूद हमारे हमने बात की, यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, यहाँ बातचीत की और उसी के जरिए हमने पूरी लाइब्रेरी को विजिट और पूरी लाइब्रेरी का हाल लिया। इस कॉलेज में लाइब्रेरी की सीट 19 स्केल की है, जो कि दानिशों से खाली है। स्टाफ न होने की वजह से काफी मसाइल का सामना है। इस कुतुबखाने को इसमें कोई एक फर्दी प्रोफेशनल मौजूद नहीं है जो इस कुतुबखाने की टेक्निकली अंदाज में इसको अरेंज कर सके या इसको उस टेक्निकली अंदाज में ढाल सके। अच्छा आरिफ साहब, ये जो लाइब्रेरी आपकी है, ये ब्रांच इसमें ये किस क्लास के लिए मखसूस की हुई आपने? ये हाल में एमएससी और बीएस फोर ईयर के लिए है। इसमें एमएससी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिजिक्स बुक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री की पढ़ी है, उसके अलावा मैथ की पढ़ी है, उसके अलावा ये पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी है और कुछ किताब इसमें ये जर्नल भी पढ़ी है। ये तकरीबन हमारे पास केमिस्ट्री की बुक्स जो है वो तकरीबन 3,000 के अराउंड अबाउट है, उसमें फिजिक्स की पेज भी चौके के लिए है और मैथ की जो है वो हमारे पास कम से कम जो है वो तकरीबन 2,100 किताब है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस की 2,800 किताब उसकी पॉलिटिकल साइंस की है। तो ये मखसूस है ये चार डिपार्टमेंट्स के लिए। इसी तरह ये दूसरा हाल है, वो सामने वाला हाल है, तो उसमें हमने उर्दू की बुक्स रखी हैं। उर्दू की हमारे पास कम से कम कुछ 7.5 लाख किताब है। उसके आगे बॉटनी की किताबें हैं, वो तकरीबन कोई हमारे पास 3,000 के हैं। उसके बाद जूलॉजी की किताबें हमारे पास हैं, जूलॉजी की हमारे पास किताबें जो है कम से कम 1,500 हैं। इंग्लिश की किताबें पढ़ी हैं, इंग्लिश की हमारे पास कम से कम कुछ तकरीबन कोई 4,500-5,000 किताब। इस तरह स्टैट की किताबें हैं, वो भी तकरीबन कोई 1,400-1,500 के अराउंड अबाउट है। तो वो सब्जेक्ट वो सामने वाला ये जो हाल है तो इसमें उर्दू है, उसके अलावा बॉटनी है, जुआलॉजी है, इंग्लिश है, स्टैट है। तो ये BS और MSc दोनों के लिए वो नीचे वाला ये दोनों हाल जो है MSc MA और BS के लिए मखसूस है। इस तरह इंटर की जो लाइब्रेरी है वो हम उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसा जी आप सुन रहे हैं, ये आरिफ साहब ने इस लाइब्रेरी को सेट किया हुआ है। ये जो पोर्शन है जो ग्राउंड फ्लोर है, इसमें BS और MSc के लिए ये हाल मुख्तसिस है। इसमें देखिए ये रीडिंग टेबल पड़े हैं
और साथ उसके स्टूडेंट्स चेयर्स हैं, और साथ ही उसके अगर देखें तो आप स्टडी जो केबिन बने हुए हैं कि इंडिविजुअली अगर कोई फर्द यहाँ पे आके बैठना चाहता है तो बगैर डिस्टर्ब के वो अपनी प्राइवेसी को भी बरकरार रख सकता है और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हम आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें लाइब्रेरी का दूसरा हाल भी दिखा दें ताकि हम एक अच्छे तरीके से इस लाइब्रेरी का जो है वो व्यू आपके सामने पेश कर सकें। जब जिस जो वीडियो या जो आप इस दफ़ा इस बार देख रहे हैं ये बेसिकली BS प्रोग्राम के लिए है ये पोर्शन। इसके साथ ही हम ये अब ये प्रोफेसर सामान के लिए स्टडी के लिए प्रोफेसर सामान जो आके स्टडी करते हैं बैठते हैं और अपना लेक्चर तैयार करते हैं ये मखसूस कमरा प्रोफेसर सामान के लिए और ये खास तौर पे यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास मगरबी हाल है, ये अभी हमने पहले जो विज़िट किया है वो मशरकी हाल का किया है। अब आरिफ साहब हमें जो लाइब्रेरी का बड़ा खूबसूरत और वसी हाल है मगरबी हाल हम उसकी तरफ आए हैं। अब ये देखें जी बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है और बड़ी मेहनत के साथ इनमें किताबों को क्लासिफिकेशन के तहत इसको रखा गया है और इसमें भी सेम वही पोजिशन रखी गई है जो उस हाल में थी। आपने देखा था कि उसे इसमें भी अलमारियां हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये सामने से ये मेरे को और हमारा और ये जो उर्दू की है उसमें सारे जितनी भी बुक्स हैं वो हमने तरतीब से लगाए हैं। इसमें क्या रहता है, ड्रामा रहता है, पोएट्री रहता है, इसके अलावा जो हमारे पास तरकीब है वो रहता है, बालियात के लिए हमने रहता हार रखा है। हर बुक्स की हमारे पास पेपरों की तरतीब है, इसका जो स्टैट है तरतीब से पढ़ी है इनके लिए बोटनी जो है BS बोटनी हो रही है BS हो रहा है MSc हो रही है जिसकी भी पेपरों की तरतीब है पार्ट वन के पेपर है या पार्ट टू के पेपर है वो बुक सब अलग अलग पढ़ी है। हर बुक से जो है लोग अपने अपने रिएक्शन है ज्वालों की है तो ये हमने अलग रखी हुई है की शुरू हुआ है इस साल इसके लिए ये हमने अलग बुक्स रखी हुई है। ये ड्रामा लहदा है, ड्रामा लहदा है, और ये हर चीज़ जो है ना अपनी से पढ़ी है, हमने ये तरतीब से रखा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा आरिफ साहब कि इस जो आपकी ये लाइब्रेरी है इसमें टोटल बुक्स की तादाद कितनी होगी, टोटल जो मिला के आपके पास ऊपर वाले फ्लोर पे है मशरकी और मगरबी हाल को मिला के टोटल कितनी बुक्स होंगी? 44,000 के अराउंड चल रही है, तो बुक्स के लिए बहुत अच्छी जखीरा है हमारे पास, किताबों का गिफ्टा भी है, गिफ्टा भी बहुत जखीरा है, तो उसका बहुत वैसे भी बुक्स आई हुई हैं जो पूरे सेक्शन में हमारे पास वो सलाब या शहर के मौजरीन है या प्रोफेसर साहबान या सिकारों के आदमी वो भी हमें गिफ्ट करते हैं, वो भी हम किताबों को जितना जखीरा है वहाँ संभाल के रखा हुआ हमने। जी नाज़रीन आप ये देखें ये फीमेल हाल है, इसमें फीमेल के लिए ये जो सीटिंग है ये अरेंज की गई है। ये देखिए इसके ऊपर अगर देखें आप तो पाकिस्तान के जो मशहूर फेमस लोग हैं उनके पोर्ट्रेट भी यहाँ पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ अंदाज में। इस साइड पे देखें तो ये लगा हुआ है, ये देखें जी, तो ये बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। यकीनी तौर पे इसको बड़ी मेहनत से जैसे आरिफ साहब ने बताया है कि 44,000 के हिसाब से इसकी इनको किताबों को अरेंज किया गया है इसके, और यहाँ पे बकायदा क्लासिफिकेशन का निज़ाम मौजूद है और कैटलागिंग भी इनकी बकायदा तौर पे पड़ी है। ये खूबसूरत अलमारी खूबसूरत ये स्टडी जो रैक्स बने हुए हैं आप देखें, बहुत कैपेसिटी जो है इनकी स्टूडेंट्स की वो काफ़ी यहाँ पर आ सकती है।
दिल्ली के काफ़ी सारे अखबार हैं जो यहाँ पे आते हैं, नेशन अखबार जो है हमारे पास, हमारे नेशनल जो अखबार है चाहे वो उर्दू का है इंग्लिश का है, वो भी यहाँ पे आते हैं। एक चेयर है, ये हम जा रहे हैं कि इस बिल्कुल मशरकी और मगरबी हाल के बिल्कुल शुमाली हाल की तरफ। तो हमारे पास ये जर्नल बुक्स पड़े हैं, यानी वो बुक्स जो हम इशू नहीं कर सकते, जो हजारों की तादाद में या जिनकी किताब 1 लाख से ऊपर है या 10,000 से ऊपर है, वो हमारे पास ये किताबें रहता है अपने। इसमें डिक्शनरी है, जर्नल बुक्स है, इंसाइक्लोपीडिया है, बाकी ये कंप्यूटर सेक्शन है, इसमें कंप्यूटर की बुक्स पड़ी है, रहता ये भी तरतीब से है। और ये हमारे पास एम ए इकोनॉमिक्स है और बी एस इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना, वो हमने रहता हमारे रखी और इनकी भी तरतीब है हमने। अच्छा, तो इसको हम जी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का रेफरेंस सेक्शन है। इसके अंदर अगर देखें तो बड़ी यहाँ पे भी बड़ी मेहनत के साथ किताबों को शेल्फों के अंदर रखा गया है। ये काफ़ी बड़ी जो अलमारियाँ हैं बड़ी बड़ी साइज़ की हैं और ये टोटल भरी पड़ी हैं माशाल्लाह। तो अब जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में किताब का शौक़ जो है या कुतुब खानों का शौक़ वो ख़त्म होता जा रहा है, तो यहाँ पर आके ये एहसास होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में आप भी किताबें पढ़ने वाले और किताबों को संभालने वाले, किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। ये अपना ऊपर हाल मेरे दुकान ऊपर इनके की जितनी बुक्स हैं या जनरल बुक्स हैं उनका वसीम लिखेगा, हमने ऊपर रखा हुआ है गोशेख बार और सुनावा मजीद अंजर, ये हमारे बहुत मशहूर शहर है मजीद अंजर सहवाल के, और उसका हमने जिक्र उसका भी रखा हुआ है। इकबाल का जो जितनी बुक्स हैं उनके लिए हमने ज़्यादा कि कमरा जो महसूस किया है, क्योंकि इकबालियात में या इनाम इकबाल की कोई बुक्स को शौक से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमने मेज बैठा अच्छी किताबी को भी दिखाता हूँ, उसके लिए हमने ज़्यादा महसूस कमरा बनाया हुआ है। जो लोग इकबालियात से इकबाल से मोहब्बत करते हैं वो यहाँ इसे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी आप ऊपर जा रहे हैं, आपने नीचे 3 बहुत बड़े हाल देखे जहाँ पे कसीर तादाद में किताबें पड़ी हुई हैं। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं स्टेयर्स के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे देखते हैं, और यहाँ पे भी किताबों के ये जी गोशा इकबालियात है, ये गोशा इकबालियात है, इसमें ये इकबाल इकबालियात की किताबें इकबाल की पड़ी हैं। ये जो आरिफ साहब बता रहे थे कि मजीद अमजद साहब हैं, ये उनका गोशा है, ये आरफ वाला के साहिवाल आरफ वाला पाक पतन उकाड़ा चीचा वतनी, यानी कि पूरी डिवीजन के ये सबसे मशहूर शायर थे। ये हमने उनके लिए मखसूस टेबल लगा के रखा था, यहाँ पर कोई अगर मोहब्बत करने वाला मजीद अमजद या इकबाल को आगे बैठ के तसल्ली से लोग स्टडी करना चाहिए, यहाँ पर बैठ के वो मुताला वगैरह कर सकता है, ये कोई हम टेबल चेयर हमने लगाई हुई है। जी नाजरी, अगर आपने इकबाल को स्टडी करना है, मजीद अमजद साहब को स्टडी करना है, तो एक दफ़ा इस लाइब्रेरी में ज़रूर आएँ, इसका यहाँ पर आके विज़िट करें और देखें कि आपको कसीर तादाद में आपको वहाँ पर यहाँ पर अलमारियों के अंदर आपको सिटी के ऊपर बहुत सारी किताबें मुहैया की जाएंगी। जी इसके साथ ही हम अब एक आरिफ साहब हमें एक और कमरे की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये भी खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत बहुत शानदार इमारत, और ये कमरा जो है ये हमारा इल्म का खजाना है, इसमें हर किस्म की बुक्स पड़ी है, जनरल नॉलेज की हर किस्म की बुक्स, उसके अलावा एजुकेशन के लिए उसकी स्पेशल जो है ना ये शुरू हो रहा है एजुकेशन, उसके स्पेशल में हमारे प्रोफेसर साहब ने बड़ी मेहनत से बुक्स इकट्ठी की हैं और भी लारे, और ये सारा हाल इसमें तकरीबन 50-60 अलमारियाँ पड़ी हैं, इसमें हर किस्म की किताब इस्लामियत की जनरल नॉलेज की हर किस्म की आपको किताब तो मिलेगी, और ये तस्वीर क्या खरीदनी है आप ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि ये इसी तरह से एक 3 हाल बहुत बड़े बड़े हाल नीचे हैं और ऊपर भी इसी तरह के 2 हाल मौजूद हैं। अब ये दूसरे हाल में हम विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि और इसमें भी कसीर तादाद में किताबें पढ़ी हैं, तो यकीन करें कि यहाँ पे आके दिल खुश हो गया। जैसे वो एक शायर ने कहा था कि
कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो जो लोग मोहब्बत से किताबों के साथ रखते हैं मोहब्बत का जुनून, या मोहब्बत से लगाओ किताबों से लगाओ है, जो मोहब्बत किताब से मोहब्बत को समीटे हैं, वो यकीनन इस लाइब्रेरी में आए और देखें कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ रखा गया इसको। जी अब हम आरिफ साहब की मदद से इस लाइब्रेरी का जो ऊपर वाले फ्लोर है उसके मशरकी हाल की तरफ जा रहे हैं। जी आरिफ साहब, इसमें किस तरह की किताबें पढ़ी हैं? इसमें हर किस्म के, इसमें भी जनरल बुक्स, बहुत ये सारा जनरल बुक्स की है, पंजाबी की बुक्स हैं, उसके अलावा हर किस्म की है, अरबी है, फारसी है, एजुकेशन है, इस्लामियात है, इकनॉमी, ये मिक्स ही किताबें पढ़ी हैं। इसके जो अभी तक हमें इसकी तरतीब नहीं लगाई, क्योंकि मैं इसको तरतीब लगा रहा हूँ, और ये सारा कुछ जितनी भी मेहनत है, ये हमारे प्रिंसिपल साहब जो है डॉक्टर मुमताज साहब जो है वो खासतौर की मेहनत है, और उन किताबों से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये किताबों जब वसी रखी है, ये बच्चों के लिए हमें सभी करवा रखे हैं, और अभी हम लगा रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद अपग्रेड किया जाए। अच्छा, तो आरिफ साहब ये बताइएगा कि आपकी ये जो लाइब्रेरी है, इसमें स्टूडेंट के बैठने की एक टाइम में कितनी गुंजाइश है, कितने स्टूडेंट एक टाइम में इसके अंदर बैठ सकते हैं? अच्छा, और ये बताइएगा कि आपके पास सर जो डेली है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे विजिट करते हैं, जो डेली लाइब्रेरी में आके स्टडी करते हो या किताबें इशू करवा के ले जाते हैं? लेकिन किताबें इशू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट BS है, MMSc है, इंटर है, तो इसमें ये तदाद बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत बहुत किताबों का इशू होता है, क्योंकि बच्चों का बहुत रुझान है, वो आके पढ़ते हैं किताबों को, यहाँ बैठ के भी स्टडी करते हैं और अपने असाइनमेंट तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं बच्चे भी हैं जो किताब इशू करवा के ले जाते हैं। यानी कि लाइब्रेरी का जो रूटीन है वो अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये बताइएगा आरिफ साहब के स्टाफ की क्या पोजीशन है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, चार इसके बड़े बड़े हॉल्स हैं, ऊपर फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है, तो आपको स्टाफ की किस हद तक कमी महसूस होती है, ये स्टाफ आपको क्यों नहीं मिल रहा? स्टाफ की तो सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि गवर्नमेंट जो है ना, एक तो हमारा लाइब्रेरियन पिछले 10-12 साल से यहाँ से जो है वो या किस पोस्ट पे नहीं है, लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, इसके अलावा हमारा कैटलागर की एक सीट है तो वो भी देखिए मैं पीछे 10-12-14 साल से खाली पड़ी है, 6 अटेंडेंट है और उनमें से एक अटेंडेंट ये मेरे पास नहीं है, मैं एक ही क्लर्क हूँ और ये सारा काम करता हूँ, और एक अभी एक मेरे पास मैडम क्लर्क आई है, वो उसको इशू करिए बिठाया हुआ है, लेकिन उसका अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइब्रेरियन की, कैटलागर की और स्टाफ की बहुत जरूरत है। तो मेरी है कि इस लाइब्रेरी को, बल्कि इस इलम के खजाने को फैलाने के लिए जो है ना स्टाफ जो है ना वो बहुत जरूरी है, तो क्लास 4 का जितना स्टाफ है वो आना चाहिए, और कैटलागर भी आना चाहिए ताकि इस लाइब्रेरी को मुझे अपग्रेड किया जाए, और लाइब्रेरियन का जहाँ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है ना जब तक घोड़े का सवार नहीं होगा तो वो घोड़ा सही तरह चलेगा नहीं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए लाइब्रेरियन का सबसे पहले यहाँ आना जरूरी है। तो ये मेरी खास तौर पर ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लाइब्रेरियन आना चाहिए, और जो क्लास 4 का स्टाफ है वो भी पूरा आना चाहिए ताकि इस लाइब्रेरी को मजीद अपग्रेड किया जाए, और जो किताब से इलम हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स या दूसरे हजरात, तो इससे मुस्तफीद हों और उनकी जो उनकी प्यास है वो इलम की वो यहाँ से बुझाई जा सके। अच्छा आरिफ सर, ये बताइए ये लाइब्रेरी कब बनी थी, इसकी जो है इसकी हिस्ट्री का कोई अगर आप हमें बता दें। मैं इस लाइब्रेरी में कम से कम कोई देखिए 28 साल से हूँ, 28 साल से मैं इस लाइब्रेरी में हूँ, और मेरे आने से पहले ये तकरीबन कोई 1945 या 1946 में ये लाइब्रेरी का इसका वजूद वजूद में आई थी। तो इसके जो है ना ये मलक अनवर साहब थे, प्रिंसिपल अनवर खान साहब, अनवर साहब उन्होंने ये लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया था, ये गालबन कोई 1945 या 1946 का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें इस खूबसूरत लाइब्रेरी का विजिट करवाया, हम आपके तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, शुक्रिया आरिफ साहब। ये जी सर्कुलेशन सेक्शन है जहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स को या जो दीगर स्टाफ होता है उनको किताब इशू की जाती है, ये स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, और ये सर्कुलेशन जो है वो विंडो है एक तरह की,
और इसको अगर अंदर हम देखें एक व्यू लें तो ये इसको लाइब्रेरी साइंस की टर्म में इसको इजराइट डेस्क कहा जाता है, सर्कुलेशन डेस्क भी इसको कहा जाता है कि जहाँ पे किताब अलमारियों से यहाँ पे लाई जाती है और यहाँ से जो स्टाफ होता है वो दाखिला रजिस्टर में सॉरी उसको इसको इशू रजिस्टर के अंदर उसको दर्ज कर लेता है और फिर कारीन को वो किताब उसके हवाले कर देता है। तो आइए अब हम आरिफ साहब से इस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अच्छा तो आरिफ साहब आप जो किताबें जारी करते हैं यहाँ पे वो रजिस्टर ज़रा हमें दिखा दें कि डेली आपने अलग अलग बी एस या एफ एस सी या एम ए के लिए अलग अलग रजिस्टर तैयार किए या एक ही रखा हुआ है? ये हमारे पास बी एस है, हर साल जो है हमारे पास तकरीबन 9 BS जो है ना वो आते हैं हर साल, तो 9 BS के लिए हम एक रजिस्टर हर साल करते हैं, वो 4 साल का सेशन होता है, इसलिए हम हर साल के लिए बी एस का रहता है रजिस्टर लगाते हैं। इस तरह एम ए एम एस सी की हमारे पास 9 क्लासें हैं, हर साल जो 9 क्लासों का वो जो है वो नया दाखिला होता है, तो उसके लिए भी बहुत 400-500 स्टूडेंट की तादाद होती है, तो उनके लिए भी हम एम ए एम एस सी के लिए भी एक रजिस्टर बनाते हैं। इस तरह ये हर रजिस्टर जो है ना वो हर साल का एक रहता है, एम ए का रहता है, एम एम एस सी का और बी एस का रहता है, और इस तरह इंटर का रजिस्टर रहता है, क्योंकि हमें उसमें किताबों का अजरा भी करना होता है, पूरा जो है ना रिकॉर्ड भी रखना होता है, और उसका जो किताबों की तफसील भी है, उनका फाइन भी, और हर चीज़ जो है ना उसको तकलीफ रखनी होती है, जैसे हमारे सारे रजिस्टर पढ़े और जो हमारे पीछे जो रिकॉर्ड गुजर चुके हैं उनका भी ये डाटा पड़ा है, कोई स्टूडेंट आता है 8 साल पुराना, 20 साल पुराना या 4 साल पुराना, वो रजिस्टर हमें या उसका रोल नंबर तलाश करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमें बस अपना सेशन बताता है, रोल नंबर बताता है, हम उसको उस तकलीफ से फौरन उसके सामने उसका सारा डाटा रख देते हैं। अच्छा आरिफ साहब इसमें आपने कितने डेली के अखबार रखे हुए हैं जो रोज़ाना यहाँ पे आते हैं? हमारे पास तकरीबन रोज़ाना के 7 अखबार आते हैं, 4 अखबार जो है ना वो हम लगा देते हैं अपने स्टैंड पे, जिसमें एक डॉन अखबार है, एक रोज़नामा जंग है, रोज़नामा एक्सप्रेस है, रोज़नामा नवा वक्त है, उसी तरह 3 अखबार जो है जिनमें डॉन अखबार है, उसके अलावा रोज़नामा एक्सप्रेस है और एक नवा वक्त है, ये हम जो फीमेल सेक्शन है वहाँ पर उनके टेबल पर रख देते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो वहाँ वापस स्टैंड पे खड़ी होकर नहीं स्टडी कर सकती, तो वो उनके लिए बैठने की जो सहूलत है, वो जो कमरा हमने आपको दिखाया तो वहाँ पर रख देते हैं, वहाँ पर वो बैठ कर उन्हें स्टडी करती हैं, और बाकी जो चार अखबार मेल के लिए वो हम बाहर स्टैंड पर लगा देते हैं, वो स्टैंड आपने देखे होंगे बाहर पड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी कोश जो है सबसे बड़ी जो है ना हमारे लाइब्रेरी को आप जो मजीद अपडेट आप देख रहे हैं, इसमें हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं उनकी बहुत कोशिश है और उनकी कावश ये है कि इस लाइब्रेरी को मज़ीद अपग्रेड किया जाए, वो हमारे साथ हर किस्म का जो हम चीज़ मांगते हैं या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फौरन में मिल जाती है, और हमारे वो बहुत मदद कर रहे हैं और हम उनके शुक्र गुज़ार हैं, और एक दरख्वास्त भी करते हैं कि कोशिश करें कि हमें जो ना हमारा जो क्लास फोर का जो स्टाफ है वो हमें जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जो कमी है किताब इशू करने की, निकालने की और बुक्स को संभालने की और लाइब्रेरी की सफाई की वो भी पूरी हो जाए, और ख़ास तौर पर जो लाइब्रेरियन है उसके लिए तो ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल साहब से कि वो जो है ना ख़ास तौर पर अपने खसूसी काल से एक लाइब्रेरियन जो है ना वो कहीं कहीं भी वो हाई अथॉरिटी से कहे कि आप उसका ट्रांसफर करवाएं, ताकि ये जो खाली पोस्ट है उसको पूरा किया जाए। अच्छा आरिफ सर एक बात और भी बताइएगा, क्योंकि आपके पास डेली सैकड़ों स्टूडेंट्स आते हैं और स्टाफ भी आता है, तो अब मौजूदा दौर में इंटरनेट के होते हुए आप लाइब्रेरी में और इंटरनेट में कैसे फ़र्क महसूस करते हैं कि लोग यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं या इंटरनेट की ज़्यादा डिमांड करते हैं? देखो जो जदीद दौर है इसमें साफ लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी तभी होगी जब हमारे पास स्टाफ होगा, टेक्नागर होगा, लाइब्रेरियन होगा, क्लास रूम का स्टाफ होगा, तो इसको डिजिटल करने में कोई मुश्किल नहीं है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ की जरूरी है, स्टाफ जरूरी है, क्योंकि ये काम जो है ना ये बंदों का है, बंदे होंगे हमारे पास स्टाफ होगा तो फिर ही ये काम हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये डिजिटल नहीं होगी तो ये आसानियाँ पैदा नहीं होगी, ये सारे मुश्किल तो हैं ना जी। लें जी नाज़रीन आज हमने आपको इस खूबसूरत लाइब्रेरी का विज़िट करवाया है, तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम अब यहाँ से इस लाइब्रेरी से बड़े अफसरदा दिल के साथ इस लाइब्रेरी को अलविदा कहते हैं और आपको भी अलविदा कहते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।